चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। फिर राष्ट्रगान होगा जी। आइए, ये तो रुक्मेल देवी है, इनका नाम रईसा देवी। चलिए जी, बहुत खूब। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, गणराज्य बनाने के लिए, बनाने के लिए तथा उसके समस्त, तथा उसके समस्त नागरिकों को, नागरिकों को। मैं मुस्लिमों का अपने भाइयों के प्रति प्यार और वो बताना चाहता हूँ। सैफुद्दीन सोज नाम के एक सांसद थे, उन्होंने अपनी सीट से त्याग पत्र दिया और ये कहा कि बाबा साहब हमारे जैसे लोगों की तो कोई बात नहीं, पार्लियामेंट में जाएंगे क्या करेंगे, लेकिन आपके जैसे पढ़े लिखे लोगों की पार्लियामेंट में जरूरत है। बाबा साहब को संविधान सभा में भिजवाया, तब जाकर के हमारे लिए ये सुविधाएं जो आज हम भुगत रहे हैं मिली हैं, और इन सुविधाओं को नंबर वाइज करके हमसे छीना जा रहा है। क्या हुआ कि आज हम अपने संविधान के उन मूल्यों से क्या हम धीरे धीरे, और ये मेरे ख्याल से बड़ा सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछने की जरूरत है, क्या हम संविधान के मूल्यों से धीरे धीरे दूर भटकते गए? कभी धर्म के आधार पर हमारे यहाँ दंगे हुए, कभी धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव हुआ, कभी जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव हुआ। हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ जब वो बाहर निकलती है तो पता नहीं किस दरिंदे की किस घटिया नजर का सामना करना पड़ता है, जबकि हमारे संविधान ने सबको एक अधिकार दिया। वो क्या हुआ आज हम अपने संविधान से दूर भटकते भटकते यहां तक आ गए? एक ऐसे कानून पारित किए गए हैं जिसके तहत नागरिकता अब सिर्फ धर्म के आधार पर मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बहुत खतरनाक चीज है साथियों। सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्या लगा भाई, तो राम राजा का क्या लगा नेताजी, आपने तो बिजली का बिल इतने ज्यादा बढ़ा दिए, इसमें जो है घरों में बिजली भी नहीं जड़ रही। क्या लगा तो बेटा रामराज में बिजली कहाँ थी, दीपक जलाओ और खुशियां मनाओ। हमें इंसानों का राज चाह, हमें मेहनत का लोगों का राज चाह, हमें मजदूरों का राज चाह, हमें किसानों का राज चाह, हमें अपने आवाम का राज चाह। शाहीन बाग एक जगह है दिल्ली में, वहाँ पे 17 दिसंबर से करीब 200-300 महिलाएं धरने पे बैठी हुई हैं और 24 घंटे बैठती हैं। कुछ लोग 7 बजे से 4 बजे तक बैठते हैं, फिर वो लोग चले जाते हैं, फिर 4 बजे अलग लोग आते हैं। ये चीजें हो रही है और इसमें हर उम्र की औरतें हैं, मतलब छोटे बच्चे भी हैं और 80 साल की दादियां भी हैं। आप लोगों ने कुछ लोगों ने वो वीडियो भी देखा होगा, अभी शायद दिखाएंगे वो, कि बहुत सारी दादियां हैं 80 साल की, वो भी बैठी हुई हैं। हमें संविधान में रंग भेद जाति धर्म हर चीज के भेद को हटा के एक इंसान के तौर पर रहने का वादा संविधान ने हमें दिया है, और उसके बदौलत जब भी कोई आती है तो संविधान आगे करो, इसको देखो, अगर दिमाग है तो इसको पढ़ो, इसको समझो, ये जवाब आप लोग दो। बेरोजगारी इतनी ज्यादा चरम सीमा पर है कि लोग अपने परिवारों को सही से भोजन नहीं करा पा रहे, हम वो अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहे जो पहनने चाहिए थे, और हमें कहां उलझा दिया कागजों को तराशने में, कहां से आएंगे वो कागज? क्योंकि ये मसला, ये जो है NRC और NEC है, ये हम सब लोगों के लिए है। मेरे पास तो कागज है, मैं दिखा दूंगा,
लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कागज नहीं है, तो लड़ाई सब आप सब लोगों की है, जिन लोगों के पास नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, तो हमें इकट्ठा होकर एक जगह होना होगा। कि मर मिटेंगे बखुशी तेरे लिए प्यारे वतन, मर मिटेंगे बखुशी तेरे लिए प्यारे वतन, तेरे दामन को चाक न होने देंगे, ये लग बात के कमजोर बहुत हैं हम लोग, इज्जत को देरी मगर खाक ना होने देंगे। मैं सोच रहे हैं कि अभी आपके लोग मर चुके हैं, लेकिन हमें दिखाना होगा हम मरे नहीं है, अभी जिंदा है हम में बहुत जोश बाकी है अभी, और ये देश हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सके।